हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टिप टॉप ब्यूटीज। और मैं अंकिता। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर किया है, वो भी है कैलाड्रिल स्किन सूटिंग सॉल्यूशन के बारे में। तो फर्स्ट में मैं इसके पैकेजिंग के बारे में आपको बताऊंगी, सेकेंडली कि ये अपने पे फेस पर इसे अप्लाई करके दिखाऊंगी कि इसे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये किस टाइप के फेस स्किन टाइप के लिए ये सूटेबल है, इसके प्रॉस क्या है, यानी क्या क्या चीज़ में ये फ़ायदा कर सकता है आपको, एंड इसे कैसे यूज़ करना चाहिए, तो और ये अफोर्डेबल है या नहीं है, ये सारा कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लूँ इसकी पैकेजिंग की, तो ये ट्रैवल हैंडी ये आपका बॉटल मिल जाएगा। ये प्लास्टिक की बॉटल है, इसलिए इसके फूटने का, गिर के टूट जाने का कोई भी डर नहीं है। एंड ये 120 ml की बॉटल है, 120 ml की बॉटल है, जिसकी प्राइस आपको 76 rupees हो जाएगी। ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। एंड जैसा कि ये लिखता है कि ये इफ़ेक्टिव है, आपको किसी भी प्रकार की स्किन एलर्जी हो, आपको सनबर्न की प्रॉब्लम हो, आपको इंसेक्ट बाइट की प्रॉब्लम हो, प्रिकली हीट यानी कि घमोरियाँ जो हो जाती है उसकी प्रॉब्लम हो, आपको माइनर स्किन इरिटेशन हो, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो आप इसे सच में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन सभी के अलावा इसके और भी काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो फर्स्टली मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसे आपको कैसे अप्लाई करना है। वैसे इसका कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है ये, 76 rupees में 120 ml ये काफ़ी है। एंड मैं इसके फ्रेगनेंस की बात करूँ तो ये काफ़ी बहुत फ्रेश सा लगेगा आपको, थोड़ा बहुत इसमें सौंफ की महक आएगी यानी फेनल सीड की महक लगेगी, और ये बहुत फाउंडेशन के टाइप का है। इसे अप्लाई करने से पहले आपको अपने स्किन को पूरी तरह से साफ रखना होगा, और अगर आप चाहे तो सिर्फ आप इसे इफेक्टेड एरिया पर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे पूरे फेस पर भी लगा लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ, बहुत ही कम ये प्रोडक्ट लगता है। बस इतना काफ़ी है, और हम इसे टैप टैप करके पूरे फेस पर इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। बहुत ईजली ये आपके फेस पे स्प्रेड हो जाता है। और हाँ, इसे लगाने के बाद क्या होता है कि आपको थोड़ा सा टाइट फील हो सकता है, तो इसकी एक इस क्रीम की एक खास बात यह है कि आप जब इसे लगाते हैं तो आप इसके बाद बहुत सारी क्रीम को कैरी कर सकते हैं। जैसे आपको मॉइस्चराइजर लगाने का मन है तो आपको जैसे टाइट फील हो रहा है आपके स्किन पे, तो आप इसके जस्ट बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई कर ली। तो मैं इसके बाद इस पर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने बायोटिक का मॉइस्चराइजर लिया है, ऑलमोस्ट माई फेवरेट है ये, तो मैं इस पर इसे अप्लाई कर लूँगी। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि अगर आपने उसे अप्लाई कर लिया और उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया तो उस क्रीम के जो इफेक्ट होगी वो आपके फेस पर कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काम साथ साथ करेगी, और आपके स्किन के बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नरिश हो जाएगी। अब तो बात कर लेते हैं कि किस स्किन टाइप के लिए ये अच्छा है और किसके लिए नहीं। देन दिस इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, किसी भी स्किन टाइप वाले से यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपकी स्किन सुपर सेंसिटिव हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो। मेरी खुद की स्किन विंटर्स में पूरी ड्राई हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, एंड समर्स में काफ़ी ऑयली रहती है, बट मुझे ये कोई भी हार्म नहीं किया अभी तक में, और ये किसी भी स्किन टाइप के लिए इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इस क्रीम के बेनिफिट मैं आपको बता दूँ तो ये आपके ओपन पोर्स को क्लोज करने में काफ़ी हेल्प करता है, एंड साथ ही साथ अगर आपको सनबर्न की प्रॉब्लम है, सन टैन की प्रॉब्लम हो गई है, आपको फेस पर किसी भी तरह की एलर्जी है, तो आप इस क्रीम को, इस लोशन को ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और क्या है इसके साथ कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसे सिर्फ फेस पर ही अप्लाई कर सकते हैं, ये बोथ बॉडी एंड फेस दोनों जगह काम आ सकता है, बट आपको एक्सटर्नल यूज़ करना है, इंटरनली आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप इसे सॉलो नहीं कर सकते हैं, आपको बस इसे लोशन की तरह इसे अप्लाई कर लेना है। और
ये है कि ये आपकी जो स्किन पर अगर डेड स्किन आ गए हैं और बार बार आपको एलर्जी हो जाती है किसी क्रीम का अप्लाई करने से, या आपने कभी हार्ड मेकअप कर लिया है उस मेकअप के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, तो भी आप इस लोशन को अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपके पिंपल्स को रोकने में बहुत प्रिवेंट करता है, ये पिंपल्स को नहीं होने देता है। और अगर पिंपल्स के दाग हो गए हैं तो उस पिंपल्स के दाग को भी धीरे धीरे फेड कर देता है। अगर मैं अपने ऑनेस्ट रिव्यू खुद के लिए दूँ कि मेरे लिए ये क्रीम कैसा है, ये लोशन कैसा है, तो दिस इज़ ब्लेसिंग फॉर मी। क्योंकि कुछ साल पहले, कुछ ईयर्स पहले मुझे पॉक्स हो गया था, यू नो अबाउट पॉक्स, तो पॉक्स के दाग भी काफ़ी ज़्यादा डीप होते हैं और बहुत डल लगते हैं, तो मेरे फेस पर, नेक पर, हैंड पर पूरा पॉक्स का दाग हो गया था। तो जब मैंने इसे अप्लाई करना शुरू किया तो ये धीरे धीरे 2 से 3 दिनों में मेरे दाग थे वो धीरे धीरे फेड होते गए, एंड लास्टली वो दाग का भी निशान भी नहीं है कभी पॉक्स हुआ था। अब मैंने इसे डेली बेसिस पर अप्लाई करना शुरू कर दिया, जब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी देन फिर भी मैंने इसे अप्लाई करना शुरू किया, एंड इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट मुझे नहीं दिखे। मैंने इसे डेली फाउंडेशन की तरह ही अप्लाई किया और उसके बाद क्या किया, मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया, एंड देन माई स्किन वॉज ग्लोइंग। और काफ़ी हेल्दी लगेगी आपकी स्किन, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं अपने पर्सनल रिव्यू से आपको कह रही हूँ कि अगर आपको कोई दाग है जो अभी तक ठीक नहीं हो रहा है तो आप एक बार इसे ज़रूर अप्लाई कीजिए। और मैंने जब इसे अप्लाई किया तो मुझे इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा है। सो अगर आपको ये इसके इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, मैं आपके क्यूरी को दूर करने की कोशिश करूँगी। सो मिलते हैं माई नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।